हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली मैं दिल्ली गई थी, तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दिल्ली की फेमस प्लेसेस पे। ये पार्ट वन है और सारे प्लेसेस दिखाने के लिए चार टोटल मैं वीडियोस बनाऊंगी चार पार्ट में, ताकि मैं आपको सारी प्लेसेस डिटेल में दिखा सकूँ। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ इंडिया गेट, बंगला साहिब गुरुद्वारा और एक छोले भटूरे की प्लेस। पर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली जितना फेमस है प्लेसेस को लेके, उतना ही फेमस है उसके खाने को लेके भी। दिल्ली की चाट, पराठा, छोले भटूरे और क्या क्या नहीं फेमस यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आई हूँ बंगाली स्वीट हाउस में। जब मैंने यहाँ के लोकल लोगों को पूछा तो उन्होंने मुझे ये प्लेस सजेस्ट की। ये शॉप 1937 से यहाँ पे है। इनके यहाँ पे 3 आउटलेट है। यहाँ पे आपको स्वीट और नमकीन भी मिलेगा और ये एक छोटा रेस्टोरेंट भी है। यहाँ के छोले भटूरे और डोसा बहुत ही फेमस है। तो मैंने यहाँ के छोले भटूरे ट्राई किए और ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। छोले भटूरे के साथ आपको थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा अचार मिलता है और उसके साथ आप ले सकते हो रायता। अगर आप दिल्ली विजिट करते हो तो ये प्लेस मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। इनके यहाँ पे फ्रेश मिठाई मिलती है और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी मिठाई मिल जाएगी। यहाँ पे नमकीन भी अवेलेबल है और यहाँ पे चाट भी है। अगर आप दिल्ली विजिट करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत फेमस प्लेसेस पे जाके खाने से अच्छा आप ऐसे ही किसी प्लेसेस पे जाना जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के फेमस गुरुद्वारे में, जो कि है बंगला साहिब गुरुद्वारा। पहले यहाँ पर जयपुर के महाराजा जय सिंह, उनका बंगला हुआ करता था। बाद में उन्होंने ये प्लेस गुरुद्वारों को दे दी, इसलिए इसको बंगला साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। यहाँ पे 2 एंट्री गेट हैं। यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल निकाल के रखने होते हैं और उसके बाद आपके हाथ धोकर फिर आपको गुरुद्वारे में एंट्री करनी होती है। यहाँ पे जगह जगह भक्तों के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है और बाकी गुरुद्वारों की तरह यहाँ पे भी लंगर चलता रहता है। ये सब काम के लिए ज़्यादातर लोग खुद ही वॉलंटियर करते हैं।
यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, पर सच बताओ तो आपको यहाँ पे भीड़ के बावजूद भी बहुत ही शांति महसूस होगी और बहुत ही रिलैक्स फील होगा। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो, जो कि आप यहाँ पे भी खा सकते हो या घर पे भी लेके जा सकते हो। दर्शन करके जब आप बाहर निकलोगे तो आपको उसके बाजू में एक पवित्र सरोवर मिलेगा, जो कि आपको याद दिलाएगा अमृतसर के गोल्डन टेंपल सरोवर की। जो भक्त बहुत ही दूर से आते हैं उनके लिए स्नान की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। वो लोग यहाँ पे पहले स्नान करते हैं और फिर दर्शन लेने जाते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग बाथरूम बनाए हैं। उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली की सबसे फेमस प्लेस पे, जो कि है इंडिया गेट। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध दौरान 80,000 से भी ज्यादा शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। प्रोजेक्ट 1921 से स्टार्ट हुआ था और 10 साल बाद 1931 में ये कंप्लीट हुआ। में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना 1972 में की गई थी। ये अमर जवान ज्योति दिन रात चलती रहती है। 2019 में यहाँ पे वॉर मेमोरियल के निर्माण हुआ। 2022 में अमर जवान ज्योति मर्ज की गई नेशनल वॉर मेमोरियल में। यहाँ पे डेली 7:30 को परेड होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी वो बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे आपको सारी वॉर की जानकारी मिलेगी। अगर आप दिल्ली विजिट करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इंडिया गेट आप शाम के वक्त विजिट करना, अराउंड 5 आपको इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखेगा। यहाँ पे आपको शहीद सैनिकों के नाम भी लिखे हुए मिलेंगे, ताकि हम वो पढ़ के उनके योगदान को याद कर सकें। यहाँ पे एक स्टोर भी है जहाँ से आप वॉर मेमेंटो खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेशंस के इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे, जैसे कि ऑपरेशन विजय। इंडिया गेट के सामने ही राष्ट्रपति भवन भी है, बट फिलहाल मैंने जब विजिट किया था तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था तो वो बंद था। बट अगर आप दिल्ली विजिट करते हो तो आप राष्ट्रपति भवन भी विजिट कर सकते हो।
रात को राष्ट्रपति भवन को अलग अलग लाइटों से सजाया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी चांदनी चौक, पराठे गली, रेड फोर्ट यानी लाल किला और पुराना किला। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।